फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि लेटर और लेटर में क्या फर्क है, यानी ये दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स का करेक्ट इस्तेमाल कैसे सीखें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। लेटर मींस बाद में, जैसे अक्सर आप अपने डेली लाइफ में कहते हैं चलो बाद में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो चलो बाद में बात करते हैं तो आप कहेंगे ओके टॉक टू यू लेटर। आप कहेंगे लेटर यानी बाद में। फ्रेंड्स, आप लेटर की जगह पर लेटर ऑन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटर या लेटर ऑन दोनों का मतलब होता है बाद में। अगर लिखा हो 10 साल बाद तो आप कहेंगे 10 इयर्स लेटर या 10 इयर्स लेटर ऑन। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो 2 दिनों बाद तो आप कहेंगे 2 डेज लेटर या 2 डेज लेटर ऑन। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि लेटर का यूज हम बाद में के लिए करते हैं। आइए फ्रेंड्स देखें लेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, वर्ड लेटर यानी LATER का मीनिंग बाद वाला या पिछला वाला, 2 से ज्यादा नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आपको कहना हो कि पिछला वाला या बाद वाला तो आप कहेंगे लेटर। जैसे अगर आपको कहना हो बाद वाला ले लो तो आप कहेंगे टेक लेटर। लेटर मतलब बाद वाला या पिछला वाला। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो बाद वाली सुंदर थी तो आप कहेंगे द लेटर वॉज ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको क्लियर हुआ कि लेटर मीन्स बाद में और लेटर मीन्स बाद वाला या पिछला वाला। जैसे अगर आपको कहना हो बाद वाला मकान बड़ा था तो आप कहेंगे द लेटर हाउस वॉज बिगर। बाद वाला लड़का एक चोर था तो आप कहेंगे द लेटर बॉय वॉज अ थीफ। बाद वाली किताब महत्वपूर्ण थी तो आप कहेंगे द लेटर बुक वॉज इम्पोर्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह दोनों टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।